रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में स्कूल ऑफ पीस एंड लीडरशिप स्टडीज की तरफ से पहले पीस अचीवर्स और लीडरशिप अवार्ड का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी थे, जबकि तकरीब में मुल्क के कोने कोने से हर तबका फिक्र मजहब और जिन्स से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज कलाम पाक से किया गया और इसके बाद नाज शरीफ भी पढ़ी गयी। स्कूल ऑफ पीस एंड लीडरशिप के CEO अहमद रजा खान किरमानी ने मुख्तसर खिताब में कहा कि इस तकरीब का मकसद पाकिस्तान के तमाम नुमाइंदा लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है, ताकि हर तरह की तफरीक से बालातर होकर हम एक पुरअमन माशरे को फरोग दे सकें और इस अमन की कोशिशों को फरोग देने वाले लीडर्स की खिदमात को सराहा जा सके। इसके बाद तमाम स्पीकर हजरात ने बारी बारी अपने ख्यालात का इजहार किया और मुल्क के अंदर तमाम अफराद की नुमाइंदगी अमन मसावात के हवाले से बात की। तकरीब में मौजूदा तकरीबन हर तबका फिक्र की नुमाइंदगी करने वाले अफराद को इनकी बेहतरीन कारगर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया और इनकी खिदमात को पाकिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम के हवाले से सराहा गया। इस तकरीब की खास बात यह थी कि तमाम मजाहिब के लोगों को एक छत के नीचे जमा करके सबको करीब लाकर एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाकर पाकिस्तान का असल और मुस्बत चेहरा दिखाने की कोशिश की गयी। इस तकरीब में पाकिस्तान के नामवर अदाकारों और राइटर्स हजरात ने भी शिरकत की। मसूद ख्वाजा ने अपनी मौजूदगी से तकरीब को चार चांद भी लगाए। इसके अलावा महफिल कवाली भी तकरीब का हिस्सा थी, जबकि लैला जट्टी ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। तकरीब के इख्तिताम पर कासिम खान सूरी ने अपने खिताब में कहा, इस्लाम अमन और सलामती का दीन है और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जो कि मजहब इंसाफ इंसानियत और अमन की बुनियाद पर बना। कायदे आजम ने जो मुल्क 1947 में बनाया, हमने इस मुल्क में अमन और बराबरी को फरोग देकर तफरीक को खत्म करना है, भाईचारे और मसावात को आगे लेकर आना है। उन्होंने कहा, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है, मुल्क का नौजवान तबका अच्छी और मस्बत सोच रखता है और वो हर तबके फिक्र के लोगों को साथ लेकर चलना चाहता है और बगैर किसी तफरीक के हर मजहब जिन्स और इलाके के लोगों को यकजहती की तरफ लेकर आ रहा है। और यही आज की तकरीब का मकसद था कि ऐसे तमाम लोगों की हौसला अफजाई की जाए और इनके किरदार को सराहा जा सके।